नमस्कार, मैं हूं विवेक। हिमाचल की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बर्फबारी से पर्यटन नगरी मनाली क्रिसमस और नव वर्ष से पहले सैलानियों से गुलजार हो गई है। पर्यटक खूब मस्ती कर रहे हैं। ताज़ा बर्फबारी के बाद मनाली में होटलों में 50% ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है। तमाम होटलों की तरफ से भी सैलानियों को लुभावने पैकेज दिए जा रहे हैं। सैलानियों को दो नाइट पर तीसरी नाइट फ्री दी जा रही है। सिरमौर जिले के पावटा साहिब नगर परिषद उपाध्यक्ष का सफाई ठेका दिलाने के नाम पर पैसे लेने का वीडियो वायरल होने पर बवाल मच गया है। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाते हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से इस्तीफा देने की मांग की है। इस मुद्दे पर पावटा में सोमवार को रैली भी निकाली गई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस नेता और व्यापार मंडल अध्यक्ष अनिंद्र सिंह नोटी ने किया और राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर मामले में FIR दर्ज करने की मांग भी की। दशमेश सेवा सोसाइटी ने सोमवार को सिरमौर जिले के नाहन शहर के शमशान घाट में सफाई अभियान का आयोजन किया। इस दौरान शमशान घाट में फैले कचरे को साफ किया गया। दशमेश सेवा सोसाइटी के सदस्यों ने कहा कि वे उन क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवा देंगे जो हमेशा सरकारी और गैर सरकारी तौर पर अनदेखी का शिकार रहे हैं। वही राजकीय सहकारी मंच के सौजन्य से चंबा जिले के परेल में जिला सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि सामाजिक अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज, सदर विधायक पवन नैयर, जिला मार्केट कमेटी अध्यक्ष DS ठाकुर मौजूद रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव सैजल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उधर वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में NCC के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर NCC कैडेट्स द्वारा स्वच्छता अभियान जागरूकता रैली में अपने शहर को स्वच्छ कैसे बना सकते हैं विषय पर भाषण, सार्वजनिक पार्कों में सफाई, प्लास्टिक प्रबंधन पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये स्वच्छता पखवाड़ा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलाया गया। इस स्वच्छता पखवाड़े में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट को सम्मानित भी किया गया। उधर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के राजकीय बीटन कॉलेज में अपराजिता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य वक्ता ASP विनोद धीमान ने छात्राओं को विभिन्न विषयों पर जागरूक किया। महिला कानून के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। आत्मसुरक्षा के लिए भी छात्राओं से विस्तृत चर्चा गई। हमीरपुर में आवह देवी से पट्टा वाया गडोला संपर्क मार्ग की एक परिवार द्वारा बंद करने से प्रभावित परिवारों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इस समस्या के समाधान को लेकर गांव के दर्जनों से अधिक परिवार सोमवार को उपायुक्त हमीरपुर के कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने उपायुक्त को बताया कि इस सड़क के बंद होने से आने जाने में परेशानी हो रही है। वाहन गांव में नहीं पहुंचने से कई किलोमीटर तक पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने इस बारे में तहसीलदार को आगामी कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार।